अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, ये मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी हैं काशिफ सर ने, तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। गाइस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, कलमे से बढ़ के कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे इन्होंने हरास करने की कोशिश की थी, तभी मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, मैंने बिल्कुल सच बोला, इन्होंने ऐसा किया है। और गाइस, मेरी वीडियो के बाद जितनी लड़कियों ने आवाज़ उठाई, जितने अवाम ने आवाज़ उठाई, जरना फातमा, दुआ फातमा, रुमैसा अकबर, रोहाबासी, मेरे साथ जो गई थी सिमी, जावेरिया जावेद, सब कुछ बोल रहे हैं, कोई ऐसे नहीं बोल रहा। बहुत सी लड़कियाँ आवाज़ नहीं उठाती। अब वो जईदना आवाज़ नहीं उठा रही, वो कहती हैं कि शायद हम लड़की हैं तो हम आवाज़ नहीं उठाएं। लेकिन मैंने कभी किसी के लिए बैड कमेंट्स नहीं किए, कभी किसी के लिए बैड रिव्यू नहीं दिया, मैंने कभी भी नहीं दिया। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि बात थी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, और अगर अब मेरे साथ हुआ, कल किसी की बेटी के साथ हो सकता है। तो हम मेरा काम था लोगों को अवेयर करना। अब मुझे नहीं पता ये लोग, इसके बाद मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। इतने सालों से किसी ने रिव्यू नहीं दिया, सारे आकर इसके बारे में रिव्यू दे रहे हैं कि वो स्टाफ अच्छा है, वो ये अच्छा है। मैंने सारी बातें अल्लाह पर छोड़ दी हैं, मगर फातिमा मल का इंतज़ार करें जो मेरे साथ हुआ है। खुदा ना करे वो किसी के साथ हो, लेकिन जो उनकी सपोर्ट में कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी बचा कर रखे। मैं आज के बाद इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मेरी आखिरी वीडियो थी। कलमे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, आई रिपीट, कलमे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मैंने कोई बात झूठी नहीं की, मैंने सच बताया था। अब इनकी मर्जी, इन्होंने ठीक होना नहीं होना, इन्होंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, ठीक है। बस आप अपना ख्याल रखिए, मेरा काम था आवाम को अवेयर करना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।